हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा फायरवॉल की। तो आपने बेसिकली सुना होगा विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ 7, 8, 10, XP सब में है विंडोज़ फायरवॉल। तो ये फायरवॉल बेसिकली होता क्या है? जैसे मेरे दोस्तों को किसी को पता नहीं, फायरवॉल फायरवॉल बेसिकली वो होता है जैसे कि आपके फ़ोन में या फिर लैपटॉप में कोई भी ऐप या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर बेसिकली इंटरनेट बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ले रहा है इंटरनेट अपने में, तो उसको डिसेबल उसके लिए उस ऐप के लिए बेसिकली नेट डिसेबल कैसे करें? आप वाईफाई तो ऑफ कर नहीं सकते, वाईफाई ऑफ करोगे तो सारी नेट का मतलब डिसेबल हो जाएगी। तो खाली उस बेसिकली वन सेपरेट ऐप के लिए उसके लिए डिसेबल कैसे करें इंटरनेट को, अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। तब सिंपली जाना है आपको प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सिंपली सर्च बार पर लिखना है, सर्च बार पर लिखना है नो रूट फायरवॉल। तो काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन है और इसके लिए सबसे बढ़िया खासियत है आपको रूट बिल्कुल नहीं चाहिए, पर आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत होगी, एक तो नो रूट फायरवॉल और दूसरी है होला VPN। तो मैं जानता हूँ कोई बहुत लोग जानते हैं VPN के बारे में, क्योंकि अगर आप ये ऐप ओपन करोगे तो उसमें ये होगा कि आपको कोई फ़ोन में VPN होना चाहिए। तो VPN मेरे फ़ोन में है नहीं, तो इसलिए मैं अदर VPN यूज़ कर रहा हूँ थर्ड पार्टी का। तो आप होला VPN चाहिए, अब सिंपली आप पहले होला VPN ओपन करो, उसके बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। इसके बाद सिंपली आई गॉट इट पर टैप करो, कंटिन्यू पर टैप करो। अब सिंपली मैं अपना ऐप सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे को नो रूट फायरवॉल करना है, ओपन पर टैप कर लेता हूँ, ओके के पे टैप करता हूँ 2-3 बार। अब मैं सिंपली होला VPN अपना नो रूट फायरवॉल अपना खोल लेता हूँ, क्योंकि वो मैंने इंस्टॉल किया था। अब मैं सिंपली स्टार्ट पर टैप करता हूँ और इधर ओके पे टैप कर देता हूँ। होला VPN खोलने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स दिख रही होगी, सर्च और टाइप URL, और इसमें आप सेटिंग भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मेरा अभी चल नहीं रहा है SS फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, और मैं कर देता हूँ इसका कैनेडा। अब मैं सिंपली करता हूँ ओपन, और अब मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड ऐप क्लोज, और अब मैं कर रहा हूँ नो रूट फायरवॉल को ओपन और स्टार्ट। तो अब मेरी वो सर्विस स्टार्ट हो जाएगी स्टार्ट वाली। अब मैं कर रहा हूँ उसमें पेंडिंग एसएस पे, अब पेंडिंग एसएस कोई नहीं है, मैं सिंपली जा रहा हूँ ऐप्स पे। ऐप्स पे जाने के बाद अब मैं सिंपली आपको एक एग्जांपल देता हूँ गूगल क्रोम का। तो गूगल क्रोम में अभी ढूंढ रहा हूँ कहाँ है मेरा गूगल क्रोम, बेसिकली मैं कोई और ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने फेसबुक लाइट ले ली। आपको राइट पे टैप नहीं करना, आपको फिर से टैप करना है उस पर, क्रॉस पे टैप कर देना है। अब जैसे कि मेरा नेट कनेक्शन चल रहा है, जैसे कि आपको पता है प्ले स्टोर मैं खोल रहा हूँ, इधर प्ले स्टोर मेरी खुल चुकी है। इधर अब मैं खोलता हूँ फेसबुक लाइट, अब देखते हैं फेसबुक लाइट खुलेगी नहीं खुलेगी, चेक कर लेते एक बार चल रहा है नहीं चल रहा है मेरा नेट। तो आप देख सकते हैं इधर मैं बिल्कुल नेट नहीं चल रहा है, क्योंकि प्ले स्टोर तो फटाफट ओपन हो गई थी, इसमें 0 KB स्पीड दिखा रहा है और कुछ चलेगा नहीं। तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को 150 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे करने हैं, और प्लीज़ अनसब्सक्राइब ना करें, क्योंकि मैं 1-2 दिन से वेट कर रहा हूँ कि कोई मेरे को अनसब्सक्राइब की जा रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।